ठीक है। बलिया में योगी की सभा संपन्न हो गई। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया के एससी कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने विकास की कई सारी योजनाएं बलिया के जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि बलिया में जिस तरीके से सरकार विकास की गंगा बहा रही है, हर क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचा रही है, चाहे आवास की बात हो, चाहे घर घर नल की बात हो या दिव्यांगों की बात हो, सबके लिए सरकार बढ़ चढ़कर कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि बलिया के सभी सीटों पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको विजयी बनाया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी नगर पंचायतों में विकास बेहतर होगा, अच्छी तरीके से विकास होगा जो सोचने लायक होगा। बलिया में जिस तरीके से बागियों की धरती पे जब जब उन्होंने कहा कि 1942 में भी बलिया आज़ाद हुआ, देश में सबसे पहले बलिया को आज़ादी मिली, इसलिए बलिया को विकास के पथ पर प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। बलिया में विकास कैसे हो, इसको लेकर उन्होंने जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका भी उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि इन लोग के द्वारा, यानी विधायक, सांसद और मंत्री के द्वारा बलिया को बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। वही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने याद दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। तो वहाँ पर देखा गया, सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त ने भी योगी आदित्यनाथ के सम्मान में शब्दों की बौछार की। तो आज देखा गया कि एससी कॉलेज के इस मैदान में योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वही मंच पर बात करें नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संत कुमार मिठाई लाल भी मौजूद थे। बेलथरा रोड से रेणु गुप्ता थी, रसड़ा से वशिष्ठ नारायण सोनी और सातवार से अमरजीत सिंह, बैरिया से शांति देवी, मनियर से बुचिया देवी और तमाम लोग, बात करें चितबड़ा गांव से अमरजीत सिंह भी मौजूद थे, सिकंदरपुर नगर पंचायत से सावित्री देवी। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो भी भारतीय जनता पार्टी के नगर निकायों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, नगर पंचायतों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मंच पर थे। सभी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसमर्थन मांगा, कहा कि विकास की पहिया, यानी तीसरी ट्रिपल सरकार की बात कहा कि उन्होंने निकायों पर उन्होंने फोकस करते हुए कहा कि ट्रिपल सरकार निकायों में बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। आज एससी कॉलेज मैदान कार्यकर्ताओं से, जनता से खचाखच भरा रहा। करीब 3:20 पर हेलीकॉप्टर उनका एससी कॉलेज के मैदान में उतरा और सीधे वह मंच पर पहुँचे। मंच पर करीब लगभग 45 से 50 मिनट तक योगी आदित्यनाथ मंच पर रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कई बार भृगु बाबा के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा, महर्षि भृगु की तपोभूमि और गंगा की पवित्र स्थली पे जो जैन सैलाब उमड़ा है, ये तय कर दिया है कि आगामी निकाय चुनाव में, यानी 11 मई को होने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पूर्ण बहुमत में पहुंचेगी और सभी नगर निकाय जीतेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।